हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इश्यू हम थोड़ा सा लेट आए हैं आपके साथ. तो आज हमारे साथ है मोस्ट टैलेंटेड एक्ट्रेस दलजीत कौर, और जल्दी हमारे साथ जुड़ने वाली है. तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वो रेडी रखिएगा, और यस जल्दी से आइए गाइस. हम लोग अभी जल्दी लाइव आने वाले हैं. अभी थोड़ा नेटवर्क इश्यू था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं, और दलजीत हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं. हाय एवरीवन, यस हाय. अगर दिलजीत की बात करें तो बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बहुत सारे सीरियल्स में हमने उनको देखा है, और अभी रिसेंटली हमने बिग बॉस के घर में भी उनको देखा था. यस हाय अवदीत, हाय अदनान, आई एम फाइन, हाउ आर यू ऑल? थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू, शायद थोड़ा सा कुछ भी. बस जल्दी जुड़ने वाले हैं हम दलजीत के साथ. रखिएगा आप जो भी पूछना चाहते हैं उनसे, और अभी हम आपको बहुत सारा एंटरटेन करेंगे और जानेंगे कि दलजीत इस समय क्या कर रही हो. हाय गाइस, हाय हाय, हाउ आर यू? सॉरी देयर सम नेटवर्क इशू हियर, एंड आई थिंक ये क्या हो गया, मैं आई और तुम आई वाज केम मैदान छोड़ के, ये लोग केम एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड सडनली. सो हाउ आर यू? How's everyone? Hi everyone. Good, I'm good. How are you? All good, all good. Special, weird, interesting time treating you guys. Have chai. Anybody for chai? Anybody for chai? So, what is your schedule? What do you do? क्या करते हो? मतलब पूरा दिन? यार मैं honestly बहुत अच्छा टाइम बिता रही हूँ जेरिन के साथ, क्योंकि मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही क्रिप किया है इतने सालों की, मुझे जेरिन के साथ टाइम नहीं मिलता, और आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द रीजन वाई वी आर होम एंड वाई दिस इज हैपनिंग, बट वट एवर सेड एंड डन आई एम गेटिंग टू स्पेंड रियली गुड टाइम विद जेरिन, सो आई एम वेरी हैप्पी. मस्ट बी वेरी हैप्पी, लाइक बहुत खुश होगा वो, और वो कई बार उठ के पूछता है मुझे, मम्मी टुडे आर यू गोइंग टू बी विद मी? उसको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मम्मी मतलब फुल अवेलेबल है सुबह और रात को. Because usually क्या रहता है ना, you just move to shootings or all सुबह से शाम, तो वो बहुत miss करता होगा. अभी तो वो पूरे time बस daily soap के जितने advantages, उसमें सबसे बड़ा disadvantage being a single parent specially यही होता है that he just misses you know me, and वो मैं usually time नहीं दे पाती हूँ. And now anyways in my head मैं सोचा ही था मैंने अभी good day के बाद कि मैं अभी एक डेढ़ महीना going to give it to myself, और ये you know unknowingly हो गया मेरे साथ. So apart from like क्या क्या करते हो पूरे दिन में? You cook? You love cooking? I try to cook. I am a pathetic cook, but I try to cook. And I'm painting again. Not yes, a very good painter. I saw your paintings, amazing paintings. Seriously. Thank you. I'm getting there. Painting is it just makes me happy. I might not be very good at it, but it makes me very happy. एंड मैं अपने आपको वैसे भी कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल प्रो नहीं मानती हूँ, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, लाइक आई एम द हैप्पीएस्ट चाइल्ड विद कलर्स, एंड यू लीव मी विद अ कलर पेंट एंड अ बिग कैनवस एंड डोंट मीट मी फॉर 20 आवर्स, आई एम यू विल सी मी विद अ स्माइल, सो दैट आई एम हैप्पी आई हैव अ कैनवस, सो आई एम हैप्पी विद दैट. सो रिसेंटली अभी अभी कुछ पेंटिंग बनाया है? इतने दिनों इतना अभी खाली हो आप तो अभी कुछ बनाया? मैंने एक बनाया है, बनाया मतलब वो चल रही है अभी, कहानी अभी कम्प्लीट नहीं हुई है तो वो अभी चल रहा है, बट इट्स टर्निंग आउट टू बी नाइस. अच्छा कलरफुल एंड ब्राइट कुछ बनाया मैंने. सो कमेंट्स आर कमिंग, दिलजीत यू आर लुकिंग वेरी नाइस, हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन. सो कुछ भी क्वेश्चंस आपको दिलजीत से पूछने हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. तो दिलजीत आप बहुत अच्छी डांसर भी हैं, नच पलिए 4 आपने जीता था, यू वर द विनर. बहुत अच्छी डांसर नहीं हूं, लेकिन मैं हां मतलब कैमरा के सामने बस मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, चाहे वो एक्टिंग हो चाहे वो डांसिंग हो, आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. सो आई थिंक यू स्टार्टेड योर करियर विद मंशा, जी टीवी पे आता था. एक्चुअली आई स्टार्टेड माय करियर विद कार्तिका, विच वाज एकता कपूर शो. सो माय फर्स्ट शो वाज कार्तिका ऑन देयर वाज अ स्किडी चैनल कॉल्ड हंगामा, उसमें बच्चों का शो आता था, दैट वाज माय फर्स्ट शो. That's how I started so, my career. So, how come into acting? Like, कुछ colleges वगैरह, schools वगैरह में participate करते थे या क्या? मुझे बचपन से था कि नहीं, you have to go to acting or something. Trust you me, I am,
आई हैव नेवर बिन द फिल्मी पर्सन. मैंने कभी यू नो कोई किसी एक्ट्रेस के गाने पे डांस किया, मुझे आज तक फिल्म्स के नाम नहीं पता है. यू नो आई जस्ट नो लाइक फेमस पीपल, ऑब्वियसली आई नो देयर वर्क, बट मैंने कभी फिल्मी नहीं थी. मैं आई स्टम्बल्ड इनटू एक्टिंग. मैं आई वाज वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आई वाज वर्किंग एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर अ कंपनी, और वहां से मैं मिस पूना एमी में गई और एमी में जीत गई और एमी में एक्टर बन गई. फिर उसके बाद मुंबई ने मुझे छोड़ा नहीं. I recently are working in Guddan, tumse na ho payega. That was my last show. Yes. So abhi itne sare characters kiye hain, aapne kaun sa favorite character raha hai, kaun sa bahut challenging raha hai? यार ऑनेस्टली मेरा फेवरेट तो बहुत सारे हैं. ऑब्वियसली अपने काम को यू नो अपने बच्चे को आप नहीं बोल सकते ये वाला मेरा पहला वाला बेटर था या सेकंड वाला था. दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन फॉर मी टू आंसर. बट हाँ मेरे लिए चैलेंजिंग गुड्डन रहा शायद, क्योंकि मेरा पहला एवर फुल फ्लेज्ड नेगेटिव रोल था और मैंने आज तक सिर्फ बहुत ही अच्छे संस्कारी बहू और मतलब बहुत ही प्यारी बेटी और यू नो ऐसे रोल्स प्ले किए हैं. तो मेरे लिए गुड्डन वॉज अ वेरी बिग चैलेंज. और जब हेट मेल आने शुरू हुए तो आई वॉज लाइक यू नो मुझे तो इतने प्यार प्यार वाले मैसेजेस आते थे. आई स्टार्टेड गेटिंग हेट मेल्स एवरी सिंगल डे. आई यूज्ड टू गेट अप विद लाइक बड़े हेटरेड वाले मैसेजेस. तो मुझे समझ में आया कि मैं ठीक कर रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ मैं ठीक ही कर रही हूँ. सो या So like दिलजीत, बहुत सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं लाइफ में, एंड बहुत स्ट्रॉन्गली यू कंडक्टेड दैट थिंग्स एंड नाउ यू आर स्टेबल. सो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? यार फाइनली बहुत सालों के बाद आई थिंक ये मैं कह सकती हूँ, मुझे तो लगता है 7-8 साल हो गए उसके बाद. अब जाके यू नो मेरे लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई है विच आई एम वेरी हैप्पी इन एंड आई लव दिस फेज ऑफ माई लाइफ. यू नो सो आई एम वेरी वेरी वॉट कैन यू से you know, like I'm just scared for anything to go wrong now. Like I finally reached here after a long journey that we all know of. So I'm very happy to be where I am. So yeah, touch wood. Okay. So अभी you're watching Big Boss 13? Reputation is coming, क्योंकि पहले तो आप बहुत miss कर दिया था आपने. नहीं बहुत तो नहीं देखा है मैंने, I can't lie. But हाँ मैंने launch वापस देखा और बड़ा मजा आया मुझे वापस याद करके वो दिन. सलमान खान इतने प्यार से जेरिन के साथ you know introduction हमारा हुआ था, then me and जेरिन danced. तो बड़ा मजा आया देखकर, बट ज्यादा मैं follow नहीं कर पा रही हूँ. तो अगर हम बात करें Big Boss 13 की, तो आपको जर्नी किसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? यार जेन्युइनली मुझे लगता है आसिम इज द वन जिसकी जर्नी वाकई में बहुत मतलब उसने अपनी प्रेजेंस बना के रखी, क्योंकि बाकी सारे जितने लोग थे मोर और लेस, और इवन सना, क्योंकि बाकी सब जाने पहचाने लोग थे. यू नो सबके बारे में कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा हुआ था हमने. मैं आसिम को नहीं जानती थी, मैं सना को नहीं जानती थी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम कि अब ऐसा कोई नहीं है जो उन दोनों को नहीं जानता. सो इट्स कमेंडेबल. तो मुझे उनकी अगर आप जर्नी की बात करोगे तो आई थिंक आसिम एंड सना. सो आई थिंक आप 15 से 16 दिन शायद घर पे थे उस टाइम बिग बॉस के घर पर. यू वर फॉर 15 to 16 days एट बिग बॉस हाउस ना? आई वॉज फॉर 15 days. अराउंड 15 days. हाँ तो आप जब बिग बॉस के घर गए और उससे पहले और उसके बाहर जब आए, तो कुछ ऐसा सरप्राइजिंग था कि ओके ये ऐसा होना था और ऐसा नहीं हुआ, या आप क्या सोच के गए थे? व्हाट वाज योर लाइक दिमाग में क्या था कि ये सब करना है? ऑनेस्ट वर्ड, मैंने कभी बिग बॉस के पहले सीजन देखे नहीं थे, जो शायद मुझे देखने चाहिए थे. मैं कभी देख कर नहीं गई थी और मुझे सब लोगों ने कहा था जस्ट बी योरसेल्फ बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन अदरवाइज, बट आई एम नॉट समबडी जो अटेंशन गेन करने के लिए आई विल ब्रेक अ ग्लास और पुट अप अ फाइट, यू नो. मगर धीरे धीरे मेरी स्ट्रेंथ दिखती है और लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे एज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल ही जानते हैं. कोई भी मुझे ऐसे नहीं जानता कि यार ये तो बड़ी कमजोर लड़की है. बट मैं अटेंशन सीकर नहीं हूँ, तो मैं यू नो उन 2 हफ्तों में आई वॉज नॉट सीन एवरीवेयर. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती कि कैमरा का कौन सा एंगल मुझे दिख रहा है या कौन सा कैमरा मुझ में पैन हुआ है, ये सब मुझे नॉलेज है. लेकिन वो मेरा इंटेंशन था नहीं. मुझे ये श्योरिटी थी कि अगर थोड़ा टाइम में रहूंगी तो मेरी यू नो स्ट्रेंथ लोगों को दिखेगी. बट आई थिंक वहां पे पारस और सना का ट्राइंगल शुरू हो चुका था, फिर सिद्धार्थ और रश्मि की फाइट शुरू हो चुकी थी. तो आई थिंक माय एंगल डिड नॉट कम अलाइव इन 2 वीक्स. सो यू आर टच विद ऑल पीपल, अभी आप सब लोगों के टच में हैं? मोर और लेस, यस मोर और लेस. सो अभी सिद्धार्थ इज वेरी ट्रेंडिंग, यू नो सिद्धार्थ एंड शहनाज का, तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? क्या लगता है, व्हाट अबाउट देयर रिलेशन एंड ऑल? यार मेरा रिलेशन तो मुझे पता नहीं हाउ इट विल बी बिकॉज वी आर ऑल नाउ एट होम, वी हैव नॉट रियली मेट. यू नो वो लोग बाहर आए और हम सब अंदर चले गए. बट सो
सना एंड सिद्धार्थ आई थिंक उनकी जो केमिस्ट्री है, मुझे जो दिखता है या जो मुझे समझ में आता है इज अ फ्रेंडशिप विच विल लास्ट फॉरएवर. मुझे नहीं पता कि एज लवर्स विल दे बी देयर फॉरएवर, मुझे आई डोंट थिंक और आई डोंट आई एम नॉट श्योर, बट एज फ्रेंड्स आई थिंक यू नो दिस विल बी अ बॉन्ड विच विल स्टे फॉरएवर. सिद्धार्थ विल ऑलवेज बी प्रोटेक्टिव अबाउट सना एंड सना विल नेवर लीव सिद्धार्थ. सो आई थिंक दैट विल बी अ ब्यूटिफुल बॉन्ड दैट दे हैव क्रिएटेड इन दैट हाउस विच विल लास्ट फॉरएवर. And there a video album भी आया उन दोनों का, भी बहुत प्यारा भुला दूँ. बहुत कैसा है? I love the song and जैसा मैंने कहा मुझे उन दोनों की chemistry बड़ी ही interesting लगती है और मैंने देखा मुझे तो बहुत अच्छा लगा. The song is also genuinely very nice. And what about आशिम एंड हिमांशी? उनका भी एक album आया है, वो कैसा लगा? Yeah, वो song मैंने already सुना हुआ था. हाँ, मैंने आशिम और जो हिमांशी का गाना है वो already सुना हुआ था. It's not a new song. But I really like that song, so relatability बहुत जल्दी थी. And Himanshi and Aasim are really good looking couples. You know, they are very cute and young and बहुत प्यारा सा couple है, so I really like that as well. और Paras और Mahira का I think the only thing is कि I think कि acting wise they were good. Song I'm not very fond of. मुझे इतना बहुत exclusive song नहीं लगा उनका, but उनकी they are good actors, so it looked nice. So I like all three of them for different reasons. So, जैसे बिग बॉस के घर के बाहर आप आए तो कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको सीखने को मिली, मतलब कुछ चेंजेस आए आपकी लाइफ में? यार एक ही चेंज आया, आई थिंक आई हग जेरिन. यार मेरे लिए इट वाज अ वेरी लॉन्ग पीरियड बिकॉज़ 15 डेज यू नो बीइंग अवे फ्रॉम जेरिन. मैं कभी एक दिन दो दिन भी बड़ी मुश्किल से ऐसा कभी मौका आया जा रही हूँ. तो मेरे लिए 15 दिन वॉज इक्वल टू मोर देन 4 मंथ्स दैट दे दीस पीपल हैव स्पेंट देयर. तो मेरे लिए उतना बहुत था एंड इट वाज लाइक बस मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो था, लर्निंग वो थी कि उसके बिना रहना इतना आसान नहीं है. एंड आई डोंट वांट टू पुट माय सेल्फ इन एनी अदर कंडीशन टू सी कितनी ब्रेव हूँ, मुझे नहीं देखना अपने आप को. व्हाट अबाउट आरती? आरती कैसी लगी आपको? यार आरती को मैं पहले से जानती हूँ. आरती मेरी दोस्त घर में जाने से पहले से है और आरती इज अ वेरी अर्नेस्ट पर्सन. मतलब वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट लड़की है, बहुत इमोशनल है, जो आई एम श्योर अभी आप लोगों को भी पता है. और मुझे जब मुझे पता चला था कि वो जा रही है, वी वर नॉट अलाउड टू टॉक टू ईच अदर, बट मुझे बहुत डर था आरती के लिए क्योंकि मुझे बस यही डर लगता था कि उसका वो इमोशंस जो है उसके अंदर इतना कुछ भरा हुआ है वो बाहर ना निकले. बट आई थिंक अच्छा हुआ कि सब कुछ निकला क्योंकि आई थिंक नाउ व्हेन आई टॉक टू हर शी इज अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन. राइट. एंड व्हाट अबाउट देवोलीना एंड रश्मि? Yeah, Debo again, I had never met her before, but Debo has become a very good friend. And I keep talking to her. And uske back mein abhi bhi problem hai, but she is better. She is much better now. And Rashmi ke saath meri baat hoti rehti hai. I've known her from before and she's a sweetheart. So we continue to, matlab, I think Big Boss mein jaake thode emotions aur beh gaye humare. To hum zyada close aage ek dusre ke. Lekin haan. I think we can take some questions, na? Fans are just Daljeet madam, aap Big Boss se jaldi kaise nikal gaye? He's asking out. Ye question mujhe aap logo ko puchna chahiye. Ye question mere liye nahi, aapke liye. Aap log kya kar rahe the? Jin logon ne mujhe questions puche, kya aap logon ne mujhe vote kiya? To aap log mujhe mat puchho, main aapko puchungi. Share some unknown stories from Ek Parinda shoot. There is some serial. What is this? IPKKND. That's not my show. I don't know. Sorry, guys. I don't know what you're talking about. So everybody is saying hello. Hello, everyone. Hi, everyone. How's everyone doing? Hello. Hi, guys. When is your Punjabi song releasing? Yes. Yeah, I am very excited about Harjaiya. Harjaiya should have actually ideally released this month, but obviously abhi delay ho gaya. So I think jab bhi ye quarantine ye sab khatam hoga, uske baad hi hoga. But I'm really looking forward to it because it's genuinely a very beautiful earthy song based in a village. So mujhe bahut excited hu main us song ke release ke liye. Kya hai matlab wo kahan shoot hua tha? थोड़ा सा बताइए ना उस सॉन्ग के बारे में. यार दिल्ली में एक आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा गांव है, वहां पे वो लोकेशन थी और बहुत ही प्यारी हवेली में हमने शूट किया. और मतलब इट हैज अ पंजाब का वो पंजाब में जो विलेज होते हैं उसका एसेंस हमको वहां पे मिला. और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही सुंदर और विलेज बेस्ड एक आपको वो यू नो फील आएगी उसकी. So I think somebody is asking कि आप खतरों के खिलाड़ी में भी दिखने वाली हैं, ऐसा कुछ मुझे चांसेस कम लगते हैं, बहुत कम लगते हैं क्योंकि
आई लाइक खतरों के खिलाड़ी एज अ शो, बट मैं बहुत डेयरिंग इंसान एज सच नहीं हूँ, और मुझे ना जेन्युइनली लॉजिक नहीं लगता कि मैं क्यों जाके अपने आपको खतरे में डालू. मैं शायद झलक कभी कर लू, आई लव डांसिंग, सो आई माइट जस्ट डू झलक समडे, बट खतरो आई डाउट. एज ऑफ नाउ अगर आप पूछोगे तो मैं घर पे ठीक हूँ. अच्छा, बीच में आपने वेट काफी लूज किया था, तो कैसे, मतलब क्या क्या कुछ किया था, थोड़ा सा शेयर करिए प्लीज. यार सॉरी, व्हाट डिड यू से? वेट लूज. माय फ्रेंड्स आर जस्ट डिस्टर्बिंग मी टू नो लेवल. आई डोंट थिंक आई विल डू दिस लाइव आफ्टर दिस. वेट का लेट मी डू व्हाट. सॉरी सॉरी जब आप डिप्रेस्ड होते ना, इंसान जब थोड़ा दुखी या सोच में होता है तो आप या तो खाते हो या आप डिप्रेस होते हो. उस चक्कर में मैंने बहुत पुट ऑन कर लिया था, बट देन वेरी अर्ली आई रियलाइज की यार एक्टिंग के अलावा देयर इज नथिंग दैट आई लव डूइंग. आई लव एक्टिंग, यू नो. सो फिर आई सेड नहीं यार, एक्टर बनना है तो यू नो आई कांट बी गोइंग टू माय फ्रेंड्स हु आर प्रोड्यूसर्स एंड से यू नो लुकिंग 86 केजीज एंड सेइंग यार गिव मी वर्क. एंड आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर मोर देन 15 16 इयर्स नाउ. तो मुझे उस अथॉरिटी से भी अनफेयर लग रहा था, तो फर्स्ट आई रिड्यूस्ड अ लॉट. आई टोन्ड मायसेल्फ, गॉट मायसेल्फ बैक, एंड देन आई गॉट माय फर्स्ट शो व्हिच वाज काला टीका, एंड देन आई रिड्यूस्ड फर्दर, बिकेम मोर फिट, एंड देन आई डिड कयामत की रात, एंड देन आई नाउ डिड गुड डन. सो So what tips you want to give to your fans? What, sorry? What tips kya dena chahenge aap fans ko? Yeah, tips to be healthy, I think, you know, now that you guys have the time, you know, zyadatar hum log Mumbai mein ho ya kisi bhi shehar mein ho, you know, we all complain about the fact that humare paas time nahi hai, you know, ghar mein time nahi milta, gym jaane ke liye time nahi milta. And now I think ki hum log sab ghar pe hain. Lot of time. Time hai, time hai. Aap kitna soge aur kitna Netflix dekhoge. आई थिंक चाहे वो योगा हो, घर पे एक्सरसाइजेस की बिल्कुल कमी नहीं है, आपको कोई योगा मैट की जरूरत नहीं है, एक दरी बच्चा बिछा लो, इट डजंट मैटर. एंड आई थिंक एवरीवन शुड आफ्टर दिस लॉकडाउन शुड बी फिटर, यू नो. सो या सो आफ्टर दिस, लाइक यू टॉकिंग अबाउट दिस डांस शो और जो अभी आपका आने वाला है गाना, यू आर प्लानिंग फॉर एनी वेब सीरीज और फिल्म, कुछ ऐसा प्लानिंग है अभी? आइडियली मैंने यही सोचा था गुड्डन के बाद, और मैं वेब सीरीज की ही बात कर रही थी, और मैंने ये पंजाबी शूट करके आई मेरी सोप नहीं लेना चाहूंगी. आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस लॉक थिंग गोज ऑन. अगर तो बहुत रहा तो आई माइट जस्ट पिक अप अ शो, बिकॉज आई एम रियली मिसिंग बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा नाउ. बट आइडियली आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डू डेली सोप नाउ. आई थिंक आई वॉन्ट टू डू लाइक अ प्रोजेक्ट जो 8-9 एपिसोड में खत्म हो और कुछ अमेजिंग सा कैरेक्टर करने को मिले. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट नेक्स्ट. आई एम ऑल्सो क्वाइट एक्साइटेड नाउ. ओके, सो आई थिंक आफ्टर लॉकडाउन यू जस्ट स्ट्रेटली यू विल गो टू द कैमरा. सबसे पहले आप कैमरा ही फेस करने वाले हो. मैंने जितना टिकटॉक शुरू कर लिया ना इस चक्कर में, क्योंकि आई वॉच योर टिकटॉक वीडियोस, रियली अमेजिंग. थैंक यू यार. आई जेन्युइनली एम मिसिंग शूटिंग, यू नो. मैंने एक महीना अपने लिए सोचा था, उसके ऊपर नहीं सोचा था, तो मैंने कहा ठीक है बाहर में जाओ, मैं घर में करूंगी एक्टिंग. मैंने टिकटॉक जिस समय बड़े नॉर्मली लेती थी, अब मैं बड़े यू नो प्रोफेशनली ले रही हूँ. एंड नाउ आई स्टार्टेड मेकिंग टिकटॉक वीडियोस, आई एम गेटिंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स ऑल्सो. तो अपनी क्रिएटर सेटिस्फेक्शन के लिए अब टिकटॉक की सही कोई बात नहीं. ओके, चलो एक वी विल हैव अ स्मॉल सेगमेंट. हां, योर फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. क्विक एक्चुअली माय सन इज वेरी क्विक. फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश. या Yeah, I think we can continue for a little time. He's fine now. Hanji. Okay. First celebrity crush. Akshay Kumar. Okay. Film or web series? Web series. Now. Okay. Recently, which web series you watched? Money Heist. Okay. And kaisi lagi aapko? Achhi thi? Money Heist. Bahut acha laga. Aur Asur. I'm not being okay, partial to Barun. Sabko pata hai that he is my brother. But I'm just genuinely saying it's a fabulous web series. And Barun and Arshad Varsi and the entire cast, Riddhi, everybody. They have done really amazing. Really, really, yes. So guys, if you're at home, of course, bachcho ko aap nahi dikha sakte, bahut khoon kharab hai. Lekin if you want to see thriller, you want to see mystery, Asur is the way to go. Okay. Rashmi or Devolina? आपकी आवाज से नेटवर्क इज इश्यूज समथिंग. रश्मि और देवोलीना. रश्मि और देवोलीना.
You don't choose between friends. They both are my friends, and yeah, no choosing. Okay, fine. Your favorite co-star? Again, wrong question. Abhi recently Nishant ke saath maine shoot kiya. I love Nishant, Varun, Akshay. I have a long list. I'm sorry, it's a wrong question. Again. But aisa kuch kuch kisi ke baare mein kuch khas ho, kuch bahut alag ho. Yeah, again, you know, mera pata nahi kyun, lekin mere I think sab fans bhi jante hain, mere sab co-actors ke saath bahut patti, and they all end up becoming like my family eventually. So Nishant is a very down to earth guy. Kanika is a dear friend. Varun, literally, ab main usko rakhi bandhti hu saalon se. तो ऐसे तो पूरे दिन लग जाएगा मुझे अपने सारे रिलेशन समझाने पड़ते हैं. लाइफ का आई थिंक द फर्स्ट टाइम मुझे एक मैसेज आया था वेरी अर्ली व्हेन आई वाज ट्राइंग टू रिड्यूस एंड मेरा पूरा फेस चल रहा था वो, और मुझे एक मैसेज आया था. एक आंटी ने मुझे मैसेज किया था, आई थिंक शी वाज फ्रॉम यूके, एंड शी हैड मैसेज्ड मी, यू नो हाउ she was herself, you know, at that age, jabki age ka bahut difference hai, she was struggling, you know, with her life at that time. Unhone kaha tha that she took a decision looking at me because unko laga ki agar aap figure out kar sakte ho, you know, being in public eye, to main to definitely kar sakti hu. Aur mujhe wo bahut matlab it will be one of my biggest memory of life ki koi, jaise hum bolte hai ki, you know, hum known log hain, hum kisi ko inspire karte hain, actually somebody took a decision for life because of my life, so that is a memory that I always hold in my life. Okay, your favorite song? You have to sing also two lines. No, I'm not singing. But no, I have terrible voice. Aap dekh rahe hain, baat karte ho meri itni haski awaaz hai. But I think Lag Ja Gale is one of my ever like the song that I repeat a lot. Okay, are your favorite couple in the industry? Favorite couple, I think Shabbir and Kanchi. जितनी भी मैंने उनकी journey देखी है, मुझे वो दोनों बहुत ही अच्छे sober, बहुत ही अच्छे couple लगते हैं. Okay, अच्छा ऐसा कुछ है life में जो आपने अभी नहीं किया when you want to go through it, या आप करना चाहते हो कुछ ऐसा life में जो अभी तक नहीं किया and you want to do anything adventurous or anything? यार मैं बहुत adventurous हूँ नहीं, I'm a very home, go to work, come back home kind of person. So मैं adventurous तो बिल्कुल भी I'm not that crafted at all. I'm a very creative person, so I really hope ki main aur apna craft nikhar sakun, whether it is painting or acting. And I hope that I do roles that I'm proud of. When I grow old, I hope I have a lot of list of characters to look back at. Or a lot of paintings that I'm proud of, that I've gifted or made or sold, I don't know. Yes. So these are the two things that I'm fond of, and yeah. Okay, so see, it's lockdown chal raha hai aur abhi last to wahi hai. Aap apne fans ko kya advice dena chahenge? यार आई थिंक सब बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मुझे पता है कि इंडिया इज मेकिंग इटसेल्फ, यू नो, रिमार्केबली नोन अमंग्स द वर्ल्ड बिकॉज हम इतने डिसिप्लिन्ड हैं. और कई लोग जो भी वहां पर हैं, जस्ट एंजॉय योरसेल्फ, हैव अ गुड टाइम, बी सेफ, बी इंडोर्स, एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. यार दैट्स ऑल आई वांट. चलो थैंक यू दिलजीत सो मच, बहुत मजा आया आपके साथ. आई लव टू जेडी. Lots of love to him. Thank you. Lots of love from Jaden also. To all of you guys, be safe, guys. Don't take it easy. Even now, just take a while before you guys can step out. Ghar pe hai, apne, you know, ghar wale bicharon ke saath time bahut milta nahi hai jab hum kaam karte, so spend good time with them. Take care. Okay, chalo. Bye. Take care. Bye. सो गाइस, अभी हम दिलजीत के साथ थे और कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से थोड़ा सा हम मतलब जल्दी खत्म कर दिया, हमने बहुत लेट स्टार्ट किया था. तो आपको कैसी लगी दिलजीत हमें बताइएगा, और बहुत सारे अभी कमेंट्स भी आ रहे हैं. यस, और इसमें लॉकडाउन चल रहा है, प्लीज टेक केयर, घर पर ही रहिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए और कुछ ना कुछ क्रिएटिव जरूर करते रहिए, बिकॉज सी वी हैव लॉट ऑफ टाइम. और अभी हम इस समय जैसे हमारे पास ज्यादातर टाइम नहीं होता है, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं. तो प्लीज गाइज टेक केयर. और हाँ, कल हम आपके साथ 5 बजे आने वाले हैं, जसलीन आ रही है हमारे साथ. तो कुछ भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जसलीन से, तैयार रखिएगा, हम कल आपके साथ फिर लाइव आएंगे 5 बजे. तो बी रेडी विद योर क्वेश्चंस, एंड बाय बाय एंड टेक केयर गाइज.